हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ, और ऐसे ही आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आता रहूँगा। आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ वो ये लेके आया हूँ कि अब आप मोबाइल पे भी ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले काफ़ी लोग थे जिन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, वो मोबाइल पे भी ऑटोमेशन ट्रेडिंग करना चाहते थे। काफ़ी लोग पीसी या लैपटॉप कैरी नहीं कर सकते, काफ़ी लोग यूज़ नहीं करना जानते लैपटॉप या पीसी, या काफ़ी लोग उस टाइम पे मतलब सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम थी। तो अब आप ऑटोमेशन ट्रेडिंग हमारे एडवांस टूल के साथ इजीली कर सकते हैं, और मैं खुद प्रोफेशनल ट्रेडर हूं तो मुझे पता है एक ट्रेडर की क्या क्या नीड होती है। एंड मैं वही चीज़ें नीडें पूरी कर करके वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बोर्ड बना सॉरी इंडिया का सबसे बेस्ट बोर्ड बनाना चाहता हूँ। आपको बता दूँ, अगर आप न्यू हो तो आपको लग रहा होगा बोर्ड क्या होता है, तो मैं बता दूँ आपकी लैंग्वेज में इसे एल्गो ट्रेड कहते हैं, पर इंटरनेशनल मार्केट में इसे बोर्ड ट्रेडिंग कहते हैं। मैं इंटरनेशनल मार्केट में काम करता हूँ, ऑटोमेशन ट्रेडिंग में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ ऑटोमेशन ट्रेडिंग कैसे करी जाती है। तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि आप भी ऑटोमेशन ट्रेडिंग करो इंडियन मार्केट में, एंड अपने आप को इम्प्रूव करो, एडवांस लेवल पे ले जाओ। तो इन शॉर्ट मैं ये वीडियो एक रिव्यू के लिए बना रहा हूँ। इसके अंदर आपको ज़्यादा तो नहीं पता चलेगा, पर मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाऊंगा फायर्स पे ऑटोमेशन ट्रेडिंग करके एंड जरोधा पे ऑटोमेशन ट्रेडिंग करके। इन फ्यूचर एलेक्स ब्लू भी ऐड हो जाएगा, आप उस पर भी ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर सकते हो मोबाइल के थ्रू। वैसे तो पीसी से हो ही रही थी। एंड अब आपको करना क्या, करना कुछ नहीं है। मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है जो कि मेरे फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, वो एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, डज नॉट मैटर, बट एक फ़ोन होना चाहिए स्मार्टफोन, उसके पास इंटरनेट होना चाहिए, एंड उसके बाद आपको कनेक्ट करना है। तो मैं अपना फ़ोन ले लेता हूँ, आपको कनेक्ट नहीं करना, गलत बोल दिया मैंने, आपको अपने फ़ोन से ऑटोमेशन ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, ये सारी चीज़ें डेप्थ में तो आपको पता नहीं चलेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आपको क्वेरी कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, आपको वहाँ पता चल जाएगा। तो मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं कनेक्ट करूँगा मेरा फ़ोन यहाँ आपको शो होने लगेगा, तो 2 मिनट लगेंगे, मैं दिखा देता हूँ फ़ोन जैसे शो होता है। तो ये फ़ोन मेरा शो होने लगा है, हाँ जी, ये मेरा फ़ोन शो होने लगा। अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, ये मेरे ऐप वगैरह हैं जो आपको दिख रहे हैं। आपको ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे मैंने ओपन कर लिया, एंड मैंने बताया ना डेफ्ट के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं आपके क्वेश्चन की क्वेरी दे पाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं बना बना के पागल हो गया, बहुत बार डिलीट कर दी, जितनी मेरी उम्र नहीं उससे ज़्यादा बार ये वीडियो डिलीट कर चुका हूं मैं, और ये वीडियो मेरे से बन नहीं रही, तो इन फ्यूचर बनाऊंगा मैं डेफ्ट में, पर अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करा, डायरेक्ट चार्ट ही ओपन कर देता हूं। मोबाइल पे है ये सारी चीज़ें, पहले से मैंने अलर्ट्स क्रिएट कर रखा है, आप चाहो तो बाद में भी अभी एक और करके दिखा दूंगा। ऊपर एक लाइन देख रहे हो, वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस पर मैंने अलर्ट्स क्रिएट कर रखा है। आप चाहो तो कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी स्ट्रैटेजी लगा सकते हो इसके अंदर, एंड काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी यहाँ पहले से, आपको पीछे मेरी वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब मैं आपको पीसी पे ये चीज़ दिखाता हूँ, अपना ट्रेडिंग जो जरोधा का अकाउंट है, यहाँ पर मैं काफ़ी सारे ऑर्डर पहले लगा के चेक कर चुका हूँ कि ये चीज़ कैसे चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है। तो देखोगे आप 13:50 पे 10 सेकंड पे हमने लास्ट ऑर्डर लगाया था, और उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं लगा। तो अब हम अपनी आ जाते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो मोबाइल स्क्रीन पे मैं क्या करता हूँ, मैं जो लाइन है, अगर ये कैंडल अपने आप टच होती तो अपने आप मेरा वो बाय हो जाता, जो भी मतलब स्टॉक है मैंने, क्योंकि इसमें मार्केट कोड लगा रखा है। अच्छा, मैं अपने यूज़र ओल्ड यूज़र को बता दूं, जो ये कोड है ये चेंज हो गए हैं, इसके कोड का अपडेट मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, क्योंकि अभी मैंने बनाए नहीं है, और बनाने के बाद कहाँ पर पब्लिश करूंगा वो भी आपको वहीं पता चलेगा, मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ पर इसे ऐड करूँ जिससे आप कोड को कॉपी कर सको। जैसे तो पहले तो आप एक्सटेंशन से कॉपी कर लेते थे, अभी कहाँ से कॉपी करोगे उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊँगा, ग्रुप में आपको अपडेट मिल जाएगा। तो ये लाइन है, लाइन को मैं क्या करता हूँ, नीचे ला के टिगर कराता हूँ। जैसे मैं टिगर कराता हूँ, आपको पता है यहाँ पर एक अलर्ट्स आएगा, अलर्ट्स आते ही मैं दिखाता हूँ, ये अलर्ट्स आया आपके सामने, आप देख सकते हैं। जैसे अलर्ट्स आया, आप एक्सचेंज पे जाएंगे, मैं दिखा देता हूँ यहाँ एक्सचेंज पे, तो यहाँ देखिए यस बैंक एक बाय हो गया, आपके सामने बाय हो चुका है। मैं दोबारा आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, थोड़ा सा लेट कर दिया मैंने आने में, क्योंकि मेरे को दोनों चीज़ें संभालनी पड़ रही, हाथ से फ़ोन कंट्रोल कर रहा हूँ और
पीसीबी कंट्रोल कर रहा हूँ माउस से। तो ये लाइन मैंने ऊपर करी, दोबारा से दिखाता हूँ। यहाँ देखिए लास्ट ऑर्डर जो आया था उसका टाइम देख लीजिए, 13:47, 57 मिनट। एंड फिर से मैं मोबाइल स्क्रीन पे गया, दोबारा से टिगर कराया, यस बैंक डाल रखा है मैंने। एंड यहाँ पर देखेंगे आप तो ऑर्डर आ जाएगा, ये आ गया ऑर्डर, आप देखिए ये फटाफट ऑर्डर आ गया। अगर अलर्ट्स में जाएंगे तो अलर्ट्स आया, तो बहुत ही फास्ट काम कर रहा है ये। जीरोधा पे मैंने आपको दिखा दिया। एंड अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ एंड मैं आपको फायर्स पे दिखाता हूँ। ये फायर्स पे भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे एक्सटेंशन काम करता था उससे बढ़िया काम कर रहा है। एंड काफ़ी इम्प्रूवमेंट हम और आगे चल के करेंगे, काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आएंगे जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। बट मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप इस वीडियो को शेयर करना कम्युनिटी या ग्रुप में, जिससे लोगों को पता चले कि मोबाइल से भी ऑटोमेशन ट्रेडिंग हो रही है। तो ये पता नहीं चार्ट में प्राइस क्यों साफ साफ नहीं दिख रहा, मैं रीसेट करके देखता हूँ। लगता है मेरे को यहाँ पर फिर से खोलना पड़ेगा। प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे थोड़ा सा अंदर को जा रहा है, पता नहीं क्यों जा रहा है। हाँ अब आ गया, ओ थोड़ी मैंने स्क्रीन थोड़ी सी वैसी कर दी थी। तो अब मैं फायर्स पे ऑर्डर लगाता हूँ, फायर्स के लिए पहले मेरे को कोड कॉपी करके लाना पड़ेगा। तो मैं कोड कॉपी करके लाता हूँ जो फायर्स का है। तो आई थिंक मैंने फायर्स का कोड जो रख रखा है अपनी इस ड्राइव में रख रखा है ये रहा, एंड मैंने फायर्स का कोड कॉपी करा। ये जो फायर्स का कोड है इसके अंदर मैंने कर रखा है कि जैसे अलर्ट्स आए, पहले वाला जो अलर्ट्स था उसमें ये बोल रखा था जैसे आए वो बाय कर ले, पर इसमें उल्टा बोल रखा है, इसमें बोल रखा है जैसे अलर्ट्स आए वो एक रुपये नीचे अपनी बिड लगा दें। तो मैंने कॉपी कर लिया है कोड एंड मैं चलता हूँ अपने एक्सटेंशन ब्राउज़र पे। तो मैं ब्राउज़र पे आ गया, ब्राउज़र खोल लिया एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उस पर क्लिक करके रखा, ऐड अलर्ट करा एंड मैंने इसके अंदर वो कोड डाल दिया। तो पहले ये जो फॉन्ट आए हैं इसे डिलीट मार देता हूँ, जो भी इसके अंदर है। जो पुराने यूज़र है वो जानते हैं कैसे कोड पेस्ट वगैरह करा जाता था। डेफ्ट में वीडियो बार बार बोल रहा हूँ, मैं बाद में बनाऊँगा। और क्रिएट कर दिया, क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हो इधर वॉच का आइकन आ जाएगा, आ गया, इसका मतलब अलर्ट्स ऑन हो गया। एंड मैं अब एक बार आपको अपने पीसी पे फायर्स का अकाउंट दिखा दूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। तो फायर्स का अकाउंट मेरा ये रहा एंड मैं डैशबोर्ड पे गया। डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो ऑर्डर बुक के अंदर पोजीशन के अंदर तो एक पोजीशन है, दो क्वांटिटी की एक पोजीशन पहले से ले रखी है क्योंकि मैंने पहले ऑर्डर लगाया था। और ये भी मैं ऑर्डर कौन सा लगाया मैं भूल गया, आई थिंक ये भी मार्केट ऑर्डर है, मैं लिमिट ऑर्डर कह रहा था, लिमिट नहीं, आई थिंक मार्केट अभी लगेगा तो पता कर लेंगे कौन सा ऑर्डर है। तो यहाँ देख सकते हो कि एक ऑर्डर है और ऑर्डर बुक में जीरो है। तो आप देख सकते हो, तो मैं अब टिगर कराने जा रहा हूँ, फिर से मोबाइल स्क्रीन शो कर रहा हूँ। ये देख सकते हो मैं ये गया और मैंने ये लाइन से टिगर कराई, जैसे ये टिगर होगी यहाँ अलर्ट्स आएगा, देखते हैं हम अलर्ट्स कैसे आता है। तो वेट करते हैं, अभी तक अलर्ट्स नहीं आया, ये अलर्ट्स आ गया। अब जैसे अलर्ट्स आया हम फायर्स पे चलते हैं, तो मैं पीसी पे आया और फायर्स पे गया। एंड फायर्स पे जाने के बाद यह देखिए पोजीशन के अंदर एक क्वांटिटी ऐड हो गई, ये कहाँ गई, एक मिनट, ये ऑर्डर ऐड हो गया। अच्छा, जो मैं कह रहा था ये लिमिट ऑर्डर ही है, तो एक लिमिट ऑर्डर लग गया, मार्केट रेट से एक रुपये नीचे लग गया, ये कोड लिमिट ऑर्डर का था। मैं दोबारा लगा के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पैदा हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस ऑर्डर को डिलीट मार देता हूँ जिससे कि मैं आपको नया ऑर्डर दिखा सकूँ, और जो पहले की पोजीशन है उसे भी डिलीट मार देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब ऑर्डर बुक के अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा होगा जीरो है। अब फिर से मैं अपनी स्क्रीन पर आया मोबाइल वाली, एंड मोबाइल वाली स्क्रीन पे आने के बाद आप देख सकते हो जो भी मैं कर रहा हूँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं अलर्ट्स को ऊपर ले गया, जैसे अलर्ट्स को ऊपर ले गया ग्रीन हो गया, इसमें एक्टिवेट हो गया एंड मैं दोबारा टिगर कराने जा रहा हूँ। जैसे टिगर होगा कैंडल के बिल्कुल मुंह पे रख देता हूँ, अलर्ट्स आ जाएगा, ये अलर्ट्स आ गया। फायर्स पे फटाफट चलते हैं एंड देखते हैं ऑर्डर आया, ये आपका ऑर्डर भी आ गया आपके सामने। तो इस तरीके से आप मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हो। ये मैंने जो दिखाया सेमी ऑटोमेशन दिखाया, आपको इंडिकेटर लगा के फुल्ली ऑटोमेशन कर सकते हो। एंड पीछे की वीडियो देखोगे तो जैसे हम एक्सटेंशन पे काम करते थे वैसे ही काम होगा। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि मोबाइल पे ट्रेडिंग किस तरीके से हो रही है। फिर से मैं स्क्रीन शो कर देता हूँ, इनने फिर से एक बिट लगा दी। मतलब अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, इसकी डिटेल में वीडियो में बाद में बताऊंगा। आपको अपना फ़ोन कैरी करके रखना, अगर आप पीसी यूज़ करते हो और कहीं जा रहे हो, पीसी में अलर्ट्स लगा दिए, फ़ोन में आपने कुछ कंडीशन आपको लग रहा है कि चेंज करनी चाहिए, फ़ोन में ट्रेडिंग व्यू खोला और आपने चेंज कर दी ब्राउज़र पे, बस आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए और ट्रेडिंग व्यू ऑन होना चाहिए, इस चीज़ को बस आपको ध्यान रखना है। और एक्सचेंज ऑन हो ना हो उससे मैटर नहीं करता, बस एक्सचेंज कनेक्ट होना चाहिए। तो आई होप आपको पता चल गया होगा ऑर्डर कैसे लग रहे हैं। एक ऑर्डर और फिर लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए दो ऑर्डर लग चुके हैं पहले ही, अब मैं तीसरा ऑर्डर लगाने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्रीन के सामने इधर आया एंड मैंने यहाँ पर टिगर कराया, फिर से मैंने टिगर कराया। टिगर कराने के बाद
जैसे अलर्ट्स आएगा फिर हम साइट पे पीसी में एक्सचेंज पे जाके देख लेंगे। आप चाहो तो मोबाइल में भी देख सकते हो, मैं पीसी में इसलिए देख रहा हूँ कि मैंने मोबाइल में एक्सचेंज नहीं खोल रखा, ये अलर्ट्स आ गया है एंड मैं इधर गया तो यहाँ देखोगे तीसरा ऑर्डर भी लग गया। अच्छा एक बात और बता दूँ, पहले एक प्रॉब्लम आती थी कि हम पीसी पे जब काम करते थे तो जितनी टैब खोलते थे उतने ऑर्डर लग जाते थे। अब इसके अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब जितनी भी ट्रेडिंग व्यू की टैब खोल के रखो ऑर्डर आपका उतने ही जाएंगे जितने आप लगाओगे। तो जैसे मैंने दिखाया कि आपको तीसरा ऑर्डर भी दिख रहा होगा, ऑर्डर बुक में तीन दिख रहे होंगे एंड जिनका फायर्स का अकाउंट नहीं है वो हमारे लिंक से अकाउंट बना सकते हैं। लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, साइट पे जाके आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा कि आपको अगर हमारे लिंक से बनाते हो तो क्या क्या सपोर्ट मिलेगा, पूरे डिटेल में यहाँ बता रखा है। अगर ज़्यादा जानना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप मुझे कॉल करके या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होके अपडेट ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें एंड लोगों को अवेयर करें कि हाँ ऑटोमेशन ट्रेडिंग अब मोबाइल से भी पॉसिबल है एंड पीसी से भी पॉसिबल है, आप किसी से भी कर सकते हैं। जो भी हमारे यूज़र हैं जानते हैं कि पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही थी हमसे, अब पॉसिबल हो रही है। और एक फीचर और लेके आने वाला हूँ आपके लिए, गिफ्ट है, बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट है। वो गिफ्ट है ये कि आप पेपर ट्रेडिंग भी कर पाएंगे, मतलब जिसे कहते हैं वर्चुअल ट्रेडिंग, वो भी कर पाएंगे ऑटोमेशन के जरिए। किसके जरिए? ऑटोमेशन के जरिए, लाइव लाइव चलेगा, आप देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। बट वो अभी अंडर मेंटेनेंस है, उस पर काम कर रहे हैं, जैसे ये अवेलेबल होती है आप